जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। महीने का जो आखिरी सप्ताह है उसका राशिफल आज जानेंगे, यानी कि 24 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, कितनी प्रिय होंगी, कितनी अप्रिय होंगी, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और किन चीजों का आपने लाभ उठाना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है, प्लस जो मुझे इंट्यूशन होता है यानी कि जो आभास शक्ति मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। ये राशिफल आपसे 100% मैच करेगा अगर आप इसे अपनी सही जन्म कुंडली अनुसार जो राशि है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नाम राशि आपको पता है, जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है, तो भी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। तो जो आपके लिए है उसको रखिए, जो नहीं है वो समझ जाइए किसी और के लिए होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं, परेशान होते हैं कि गुरुमा नंबर नहीं लग रहा है। अब देखो, आप भी बात को समझिए कि हमारे पास लिमिटेड टोकन होते हैं, क्योंकि जहां दरबार फिलहाल लगाया जा रहा है वहां के जो पड़ोसी हैं उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था तो उस समय हजारों लोग एक दिन में आ रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ और उसकी वजह से, उनके ऑब्जेक्शन की वजह से ज्यादा लोगों से अभी हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक दिन में मात्र 50 लोगों से ही मिल पाते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बुधवार के दिन आप इस पर टोकन लीजिए ताकि गुरुवार को मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि हजारों लोग एक दिन में कॉल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं फोन तो व्यस्त जाएगा ही, लेकिन भगवान शनिदेव का नाम लेकर के प्रयास करते रहे। और जब तक कि नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, हमारे चैनल पे जो भी हम उपाय डालते हैं, जो भी आपको बातें बताते हैं, उसका भी जरूर आप उसे फॉलो कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी और अवश्य ही किसी न किसी दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली आपके चेहरे के हिसाब से आपको देख करके आपके उपाय जरूर बताएंगे। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शत्रु या कुछ दुश्मन या कुछ पड़ोसी आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे या आप पे लीगल एक्शन लेंगे या हम आपकी शिकायत करेंगे या हम कोई कोर्ट केस कर देंगे या पुलिस केस कर देंगे, ऐसा कुछ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पचड़े में हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो उस समय जो आपके जो भी विरोधी है, जो भी मतलब सामने वाली पार्टी है, वो किसी तरीके से ब्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं, या तो आपको पैसे ऑफर कर सकते हैं या आपके वकील को पैसे ऑफर कर सकते हैं, मतलब कुछ करप्शन जैसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो अभी चलती रहेगी, आपके फेवर में थोड़ा थोड़ा आ सकता है लेकिन ज़्यादा आता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड भी इस हफ्ते में आपको ज़रूर मिलेगा और लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे। अगर किसी तरीके से आप बात करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ आप स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटिवेशन उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर सेल्स के हेड हैं या ऐसा कुछ है तो बहुत बड़ी टीम आपको मिल सकती है, उन सभी को आप मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब लीडर बनेंगे इस समय में और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनको आप समझा रहे हैं, मुझे काफ़ी सारे लोगों को आप समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी स्पीच की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों आपके ऑफिस स्पेस पे आपको कोई बुके दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अच्छा कुछ आप कर सकते हैं, अगर आपकी कोई डील बहुत समय से अटकी हुई थी वो डील आपको मिल सकती है, खासकर अगर कोई सरकारी कोई टेंडर वगैरह था, सरकारी कोई काम था, लाइट से संबंधित कोई काम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई काम है, मशीनों से संबंधित कोई काम है, तो वहाँ भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर मतलब किसी दूसरे की वजह से आपका काम अटका हुआ था तो काम जो है वो इस समय में, इस हफ्ते में आपका वो अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। धन की बात करें तो धन की कोई कमी इस समय में आपको नहीं होगी, आप अपनी फैमिली की जरूरतें अच्छे से पूरी कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर पाएंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इस समय में कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कुछ लोग अपने किसी लैंड या प्रॉपर्टी के ऊपर भी पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छा वीक है आपके लिए। मार्केट में इतने सारे ठग हैं, इतने सारे पाखंडी हैं कि लोगों का विश्वास ज्योतिष से, अध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सभी चीज़ों से उठने लगा है, पर हमें भगवान की कृपा से वो
अवसर मिला है कि हम आपकी आस्था को पक्का कर सकें। जब आप लोग ऐसे कमेंट करके हमें बताते हैं कि इस राशिफल से आपको कितना लाभ होता है, कैसे आपको ये बिल्कुल मैच करता है और अपने जीवन को आप इससे प्लान कर पाते हैं, उससे लाभ उठा पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरे साथ 100% सच हुई। गुरु माँ, बिल्कुल सही बात कही 99%। गुरु माँ, आपकी कही हर बात सच हुई। यू आर ग्रेट, 1000% करेक्ट आंसर। गुरु माँ प्रणाम, आपने बिल्कुल वही बोला जो मेरे साथ हुआ। जॉब चेंज, ऑफर लेटर, फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ, ये सही है। गुरु माँ, आपने मेरी मन की बात बोल दी। गुरु माँ, आपकी हर बात 100% सटीक होती है। मेरी कन्या राशि है, सिर्फ आपकी बात पर विश्वास है। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम में थोड़े बहुत झगड़े होंगे, लेकिन वैसे आप अच्छे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। मान लीजिए अगर आपका कोई झगड़ा हो भी जाता है या हो रहा है ऑलरेडी, तो आप एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। अगर इस हफ्ते में थोड़ा बहुत कोई झगड़ा होता है तो ज्यादा लंबा नहीं चढ़ेगा, आप वापस एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। और खासकर आपके पार्टनर जो है वो आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो वो एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर रूखा भी बिहेव करेंगे आप, तो आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़ के जाते हुए दिख नहीं रहे। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में कुछ भाइयों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पता नहीं, भाई आपके किसी प्रकार की जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जिद से वो ठीक मतलब हट ही नहीं रहे हैं, तो आप भी हटी हैं, वो भी हटी हैं, तो उस वजह से दोनों के ईगो क्लैश होंगे या तीनों के ईगो क्लैश होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बात को संभालना मुश्किल हो सकता है। आप भी नहीं मान रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में या तो भाइयों से बातचीत बिल्कुल बंद हो सकती है, या फिर लड़ाई थोड़ा सा करके फिर आप बातचीत बंद कर देंगे, लेकिन मान कोई भी नहीं रहा है, वो मुद्दा वहीं के वहीं बना रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डेफिनेटली इस समय में इम्प्रूव होगी। केवल एक पैर में थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है, थोड़ा सा दर्द है, जैसे सोते हुए आपको कोई नस चढ़ जाना या अचानक से क्रैम्प आ जाना, ऐसा कुछ चीज़ दिखाई देना है, अदरवाइज हेल्थ आपका अच्छा है। कुछ लोगों के बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद होते हुए या आपको मॉर्निंग में उठेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसे बहुत सारे बाल आगे की तरफ आपके सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को दिख सकता है। पैरों का ही ध्यान रखें, पैरों में थोड़ा सा मोच आने की संभावना ज़्यादा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हैं इस समय। अगर कोई एग्जाम है आपका तो आप किसी से पता नहीं क्यों लड़के जा रहे हैं, लड़ रहे हैं और फिर एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, मतलब आप अच्छा अपने आप को माइंड को एकदम रिलैक्स कर पाएंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर सकेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी दिख रही है। सितंबर माह का आखिरी हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।